श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हमारे धरती पर विशालकाय लोग रहते थे और अब जो खोजें की जा रही हैं उससे साबित भी होता है। हमेशा से मान्यता रही है कि धरती पर दैत्याकार मतलब बहुत विशालकाय इंसानों का अस्तित्व रहा है। लगभग सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसे विशालकाय मानव की कहानियां दर्ज हैं, जिसे कहा गया कि सतयुग में लोग एक ही साथ के होते थे, त्रेता युग में लोग 14 हाथ के हो गए, द्वापर युग में 7 हाथ के हो गए और कलयुग में हम लोग 3.5 हाथ के हैं। तो ये ग्रंथों में भी है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी है, पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जमीन के भीतर दबे ऐसे कई जीवाश्म और कंकाल मिलते हैं जिस चीज को साबित करते हैं। तो विज्ञान ने ढूंढाई, अभी जैसे हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, 2012 में एक 15 इंच की इंसानी उंगली की तस्वीर चर्चा में आई थी। हालांकि मम्मी के रूप में मिली उंगली अब कहाँ है और किसके पास है, ये एक रहस्य है। उस उंगली के बारे में सबसे पहले एक जर्मन वेबसाइट पर एक खबर छपी थी, उसके अनुसार यह तस्वीर ग्रेगोर स्पोरी ने 1988 में मिश्र में खींची थी। तब कब्रों और पिरामिड में चोरी करने वाला एक शख्स ने उन्हें यह उंगली दिखाई थी। इसकी तस्वीर लेने के लिए उन्हें $300 देने पड़े थे। कुछ बरस बाद जब उस शख्स को खोजने गए तो उन्हें नहीं मिला। तो विज्ञान जो खोज कर रही है उसके हिसाब से जो इंसान, उनके हिसाब से 10 फीट के हिसाब से चल रहा है, हालांकि उससे ज़्यादा लंबे थे सतयुग वगैरह में। 2008 में जॉर्जिया के कॉकेसस माउंटेन से बड़ी बड़ी हड्डियाँ मिली थी, तो उसके आकार के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि अगर ये किसी इंसान की है तो 8 से 10 फीट ऊंचा रहा होगा। एक प्रतिष्ठित साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्टोरिया इस पर शोध कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। उसके बाद ये हड्डियाँ भी म्यूजियम से गायब हो गई। अभी जो पाँव होते थे, पाँव दानवों जैसे होते थे, आज के सब दानव उस टाइम के हिसाब से मनुष्य होते थे। दुनिया में कई जगहों पर चट्टानों के रूप में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिले हैं। बहुत सारे लोग इन्हें विशालकाय आदि मानवों का ठोस प्रमाण मानते हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर इनमें से कई की उम्र लाखों साल पुरानी बताई जाती है। अगर ये सच होगा तो फिर दुनिया में इंसान का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े पैरों में सबसे फेमस है दक्षिण अफ्रीका में मिला हुआ गुलिथियस फुटप्रिंट, स्वाजीलैंड के बॉर्डर पर स्थित मकलूजी टाउन में मिला है फुटप्रिंट, करीब 4 फुट लंबा है, इसे 20 करोड़ साल पुराना बताया गया है। तो साइंस की अब तक की जानकारी के अनुसार अब तक धरती पर इंसान नहीं थे, उनके हिसाब से तब तक धरती पर इंसान नहीं थे, पर जो फुटप्रिंट्स मिल रहे इसके हिसाब से धरती पर इंसान थे। ऐसा ही अन्य फॉसिल्स फुटप्रिंट कैलिफोर्निया की पहाड़ियों पर 1926 में मिला था, ये 5 फुट लंबा था। मैक्सिको, रूस जैसे देशों में कई ऐसे बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं। अभी दैत्य मानवों से तो आदिवासी भी डरते थे, जैसे उनके हिसाब से दैत्य मानव अभी भी हैं। अमेरिका के निवादा राज्य में लवलॉक केव इलाका है, यहाँ 1911 में 2 भाइयों ने खदान का काम शुरू किया, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया कि यह एक प्रागैतिहासिक साइट है। इसके बाद विशेषज्ञों ने यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। इस इलाके में 1929 तक कई बार खुदाई की गई, जिसमें कई सामान्य कदकाठी के लोगों के कंकाल और उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें मिली। इसके साथ गुफा की दीवार पर एक बहुत बड़े हाथ के पंजे की छाप और 15 इंच अधिक लंबी सैंडल भी मिली। तो अनुमान ये है कि लोग 8 से 10 फुट लंबे रहे होंगे। उसके बाद एक और घटना है सार्डिनिया का। तो दक्षिण पश्चिम रीजन में खोजबीन कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को 2014 में एक विशालकाय भूत जैसा फॉसिल्स मिला, इसे ब्रॉन्ज एज का बताया जाता है। उस इलाके में 1970 के दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज हुई थी, फिर एशिया से अमेरिका गए थे विशालकाय लोग, ऐसा माना जाता है। 1909 में एरिजोना गजट में एक खबर छपी थी कि एक्सप्लोरर जीफ किनकेट को
कोलोराडो नदी के किनारे किनारे पुरानी इंसानी वसाहत के कई अवशेष मिले हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि इनमें 9 से 10 फुट के कई ममीज भी थे। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि ये लोग जो थे वो हजारों साल पहले एशिया से माइग्रेट होकर वर्तमान अमेरिका के उस इलाके में पहुंचे थे। बाद में किनकेड ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि अमेरिकी सरकार ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि आम लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए। 25 फीट लंबे आदमी का भी कंकाल मिला है। ये 1964 में इक्वाडोर में एक पादरी फादर कार्लोस वाका को स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत बड़ी हड्डी मिली है। यह हड्डी फादर ने अपने पास रखी जो उनकी मौत तक उनके घर में रही। बाद में रिसर्चर क्लास डोना उसे अपने साथ ऑस्ट्रिया ले गई। उनका कहना था कि अगर यह इंसानी बोन है तो फिर वो इंसान 25 फुट लंबा रहा होगा। इसके अलावा बुल्गारिया वॉस्किसंस डेथ वैली जैसी जगहों पर से बहुत सारे विशाल कंकाल और हड्डियाँ मिली थी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।